more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. ये कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, बल्कि ये है चीन का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। जी हाँ, चीन की राजधानी बीजिंग में नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना भी जा रहा है। अक्टूबर 2019 में इसका ट्रायल शुरू होगा। बीजिंग म्यूनिसिपल ऑफिस के मुताबिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जुलाई 2019 में पूरा हो जाएगा और इसका ट्रायल फिर 3 महीने बाद यानी कि अक्टूबर में होगा। ये एयरपोर्ट 46 किलोमीटर दक्षिण में ताक्सिंग जिले और लांगफांग की सीमा पर मौजूद है। लांगफांग हेबेई राज्य में मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हेड वेंग योग्यू ने कहा कि डिक्सिंग जिला हवाई अड्डे के निर्माण और हवाई अड्डे के आर्थिक क्षेत्र को प्राथमिकता देगा। एक वेबसाइट की खबर के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट की तरह नजर आने वाला ये एयरपोर्ट 3,13,000 वर्ग मीटर जगह को घेरेगा। इसमें 6 गलियारे होंगे। इसमें गार्डन, लैंडस्केप और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजरों के लिए अलग अलग टर्मिनल होंगे। साल में इस एयरपोर्ट से 10 करोड़ यात्री सफर करेंगे और यही नहीं, हर साल यहां से 4 मिलियन टन माल ढोया जाएगा। ये एयरपोर्ट अभी के बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 67 किलोमीटर दूर है। शहर को एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए हाईवे का काम भी शुरू हो चुका है। एयरपोर्ट के नए डिजाइन के मुताबिक यहाँ 4 रनवे होंगे। हर साल यहाँ 6,20,000 फ्लाइट्स आएंगी। टॉप न्यूज की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।